और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 16.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ क्वाइन इज टोस्ट। अगर आप एक क्वाइन को फेंकोगे तो हमारे पास क्या होगा, या हेड होगा या फिर टेल होगा। इफ द आउटकम इज अ हेड, अगर हेड आ रहा है, ए डाई इज थ्रोन, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डाई को फेंकोगे तो ये होगा। इफ द डाई शोज अप इवन नंबर, अगर इवन नंबर ये है, देन अ डाई इज थ्रोन अगेन, सॉरी, इनके साथ फिर एक डाई हमने फिर फेंक दी। तो यहाँ से हमें सैम्पल स्पेस निकालना है। अगर टेल आ रहा है तो सिंपल है, तो सैम्पल स्पेस हमारा टेल सिंपल रहेगा। इसके बाद अगर हेड आता है, हेड के साथ और प्राइम हमारे ओड नंबर्स हैं, तो हेड 1, हेड 3 एंड हेड 5, ये हमारे अलग हो गए। बट अगर इवन आ जाता है तो एक डाई और फेंक रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H21, H22, H23, H24, H25, H26, 2 के साथ ले लिया मैंने। उसके बाद अगर हमारे पास 4 हो, देन हैड 41, हैड 42, हैड 43, हैड 44, हैड 45, हैड 46, ऐसा ही 6 के साथ भी होगा, हैड 61, हैड 62, हैड 63, हैड 64, हैड 65 एंड हैड 66। ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, इजी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर 1, 2, 3, 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। द स्लिप्स आर पुट इन बॉक्स एंड मिक्स थोरोली। अ पर्सन ड्राज 2 स्लिप्स, वहां से 2 स्लिप्स निकालता है फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास 2 स्लिप निकाले, हो सकता है 1 और फिर 2 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 3 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 4 आ जाए। नेक्स्ट हो सकता है पहले 2 आ जाए फिर 1, हो सकता है 2, 3 हो जाए, हो सकता है 2, 4 हो जाए, या पहले 3 फिर 1, 3, 2 हो जाए एंड 3, 4 हो जाए, या फिर स्टार्टिंग में 4 फिर 1 फिर 4, 2 हो जाए एंड 4, 3 हो जाए। दिस इज योर सैंपल स्पेस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, रोलिंग ए डाई, अगर आप डाई फेंकोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड देन टॉसिंग ए क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। तो इवन के साथ 2, 4, 6 के साथ आप क्या कर रहे हैं, क्वाइन फेंक रहे हैं वंस, सो हेड एंड टेल हो सकते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑन डाई इज ओड, ओड में हमारे पास 1, 3 एंड 5 बचा, देन द क्वाइन इज टोस ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में हेड हेड 2 टाइम्स फेंकेंगे, तो हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसके साथ सैंपल स्पेस बना दीजिए। सैंपल स्पेस जो बनेगा, दिस इज 2H, 2H, 2 tail, 4H, and then 4 tail, 6H, 6 tail, even once, and then odd 1HH, 1HT, 1TH, and 1TT। इसके साथ 3 के साथ करेंगे, 3HH, 3HT, 3TH, and then 3TT। एक नंबर और बच गया, 5, 5HH, 5HT, 5TH, and then 5TT। दिस इज योर सिंपल स्पेस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
अ क्वाइन इज टोस्ट, अगर आप क्वाइन को फेंक रहे हो तो हेड और टेल ही बनेगा. इफ इट शोज अ टेल, अगर वो टेल कर रहा है, वी ड्रा अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन टू रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल. अगर एक बॉक्स के अंदर टू रेड, दैट मीन्स आर वन एंड आर टू, और ब्लैक बॉल हम ले लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री, ये ब्लैक बॉल हो गई. इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, अगर हेड है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से आएगा, हम एक डाई फेंक रहे हैं. तो सैंपल स्पेस जो हमारा बना वो हेड वन हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव एंड हेड सिक्स. हेड के साथ तो हमारे पास ये बन गया. अब टेल के साथ जो बनेगा, दिस इज टी आर वन टी आर टू टी ब्लैक वन ब्लैक टू एंड टी बी थ्री. दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट. बहुत ही आसान सा था. चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी एक्सरसाइज 16.1 का लास्ट क्वेश्चन है. अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ सिक्स कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस. हो सकता है पहले में ही आ जाए सैंपल स्पेस. अगर हम लिखें, हो सकता है स्टार्टिंग में ही सिक्स आ जाए, खत्म हो जाएगा. इसके बाद फर्स्ट वन एंड सिक्स, पहले वन आ जाए फिर सिक्स आ जाए तब भी खत्म हो जाएगा. हो सकता है पहले टू आ जाए फिर सिक्स, थ्री सिक्स फोर सिक्स एंड देन फाइव सिक्स. सिक्स तो आ रहा था, यहीं से ख़त्म हो गया था. अगर मान लीजिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे नहीं, ऐसे भी तो बन सकता था. ये वन वन आ जाए फिर सिक्स हो जाए, थ्री थ्री में आ जाए तो. और फिर हो सकता है वन टू सिक्स कहाँ तक, फिर वन फाइव सिक्स हो जाए. ऐसे ही पहले हमारे पास से टू आ जाए तो टू वन सिक्स हो जाए, देन टू टू सिक्स हो जाए एंड सो ऑन. दिस इज टू फाइव सिक्स, ऐसे ही बनता जाए. यहाँ पे सिक्स तो बन ही रहा था, फाइव फाइव सिक्स, ऐसे बढ़ते जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इसके अंदर बन सकते हैं. बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी. चलिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.